हेलो फ्रेंड्स, डीआर डॉट आर्किटॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार अपन ने तरबूज के बारे में जाना था। इस बार गर्मी के मौसम में मिलने वाले कॉमन फल खरबूजा के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि गर्मी में आने वाला एक फल है। जैसा कि अपन को पता है कि तरबूज तो अफ्रीका से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन खरबूजा के बारे में पता नहीं है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, या तो ईरान या इंडिया, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन गर्मी में मिलने वाला एक बहुत अच्छा फल है, इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज उन्हीं के बारे में अपन जानेंगे। एक्चुअली जो खरबूजा का बॉटनिकल नेम है वो कुकुमिस मेलो है, और इसका इंग्लिश में नाम मस्क मेलन या कैंटलोप है। इसकी कई प्रजाति के फल विश्व में मिलते हैं और इसमें बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 65 है, और ग्लाइसिमिक लोड केवल 3.1 है। तो एक तरह से ये जो शुगर के मरीज हैं उनके भी लिए फ़ायदेमंद है, अगर लिमिटेड अमाउंट में लिया जाए तो। और इसमें 90% पानी होता है। तरबूज में तो 92% था, लेकिन इसमें 90% पानी होता है, और फैट और जो प्रोटीन है वो 1% से भी कम होता है। लेकिन ये विटामिन ए, सी, बीटा कैरोटीन और पोटेशियम में बहुत रिच होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा मिलता है, इसलिए इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो आज अपन इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं वो अपन जानते हैं। गर्मी के मौसम में अगर तरबूज और खरबूजा, अपन खरबूजा के बारे में बात करें, खरबूजा अगर लिया जाता है तो ये शरीर के लिए जो पानी से होने वाली कमी है, पानी की कमी है, उसको पूरा कर देता है। जैसे आप गर्मी में कहीं जा रहे हैं और मान लो खरबूजा लेते हैं, तो जल्दी से आपको गर्मी नहीं सताएगी या लू नहीं लगेगी, लू को कैर से आप बच जाएंगे, क्योंकि इसमें 90% पानी होता है। दूसरी परेशानी, दूसरा फायदा जो यह है, जो ये वेट लॉस में बहुत सहायक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है इसमें और फैट कम मात्रा में है या जीरो है, 1% से भी कम है, नेग्लिजिबल फैट है। तो जिसको वेट लॉस करना, अपना वजन घटाना है, उसके लिए तरबूज का खाना और तरबूज का रस दोनों ही फायदेमंद है। फिर उसके बाद जो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको शुगर की बीमारी है, अगर वो मॉडरेशन में लेते हैं या लिमिट में लेते हैं, तो उनके लिए भी ये शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है। तो एक तरह का एक अच्छा फल हुआ जो शुगर में फ़ायदा पहुंचाता है। दूसरा भी, तीसरा है कि बीपी है, उसको भी ये रेगुलेट करता है, बीपी कम करता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उससे बीपी बढ़ता नहीं है और बीपी नियंत्रित हो जाता है। फिर उसके बाद में आँखों की रोशनी को अच्छा करता है, क्योंकि अपन ने पहले ही बताया था कि विटामिन ए और सी इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आँखों की रोशनी को ये विटामिन ए ज़्यादा होने की वजह से अच्छा रखता है। फिर उसके बाद में है, अगर विटामिन सी इसमें ज़्यादा है तो इम्यूनिटी बूस्टर है, जो इम्यूनिटी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है, शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको ये बढ़ा देता है। फिर उसके बाद में इसमें डाइट की फाइबर ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा होता है तो कब्ज़ में भी ये कब्ज़ को मिटाने में भी सहायक है। फिर उसके बाद में है, गुर्दे में जो पथरी बनती है, इसमें ऑक्सीकिन नाम का सबस्टेंस होता है जो गुर्दे को, गुर्दे में पथरी बनने को रोकता है, तो पथरी रोकने में भी ये सहायक होता है। फिर उसके बाद में जैसे प्रेगनेंसी टाइम है या मेंसेस का टाइम है, तो उस टाइम पर भी लेडीज को ये फ़ायदा पहुँचाता है। फिर उसके बाद में जो हार्ट की हेल्थ है उसको अच्छा रखता है, क्योंकि हार्ट की हेल्थ में इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है और फैट की मात्रा बहुत कम है, तो हार्ट की हेल्थ है उसको भी ये अच्छा रखता है। फिर उसके बाद में मान लो अपन ने पहले ही जाना था, कोई चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो नुकसान भी पहुंचा देती है। ऐसे ही खरबूजा है, बहुत ज़्यादा लेंगे तो उल्टी का मन हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, दस्त भी हो सकते हैं, और जिनकी शुगर की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, जो डायबिटिक हैं उनकी शुगर की मात्रा को बढ़ा देगा। तो ऐसे करके आज अपन ने जाना है कि गर्मियों में मिलने वाला एक बहुत अच्छा और एक शानदार फल है, जिसको लेने से अपन बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। ये वही तरबूज की तरह बहुत सस्ता है, टिकाऊ है, इजीली अवेलेबल है, लेकिन कम टाइम के लिए ये बाज़ार में उपलब्ध है, इसलिए जब भी उपलब्ध है तो अपन रोज़ के सेवन में भी इसको काम में ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।